नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक उषा कंपनी का एस्ट्रो स्पीड एग्जस्ट फैन का मोटर ही है। दोस्तों इस मोटर खोलने का है। दोस्तों इसमें कैपेसिटर लगता नहीं, केवल दो बार बाहर आएगा। दोस्तों मैं नट खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ सावधानी नहीं रखेंगे आप तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों देखिए, बहुत भयंकर जला है। ये तो बहुत बुरी तरह जला, देखिए एकदम कोयला हो चुका है। कितने खतरनाक जला हुआ है। दोस्तों इसका वाइंडिंग कटिंग करते समय कुछ खास बातें हैं, अगर आप उस बातों को ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आपको ये पंखा बनेगा नहीं, आपको भंगार बेचना पड़ेगा। और दोस्तों एक बता रहे, इस पंखे के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वाइंडिंग यानी कि लीड इस तरफ निकला हुआ है तो आपको लीड इस तरफ नहीं निकाल देना है। अगर आपने लीड इस तरफ निकाल दिया इस तरफ, तो आपको पंखा उल्टा घूमने लगेगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है, इस टाइप मोटर जब भी आपके पास आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको लीड किस तरफ निकालना है, एक निशान लगा दें ताकि आपसे गलती होने चांस खत्म हो जाए। दोस्तों देखिए, इस तरह से निशान लगा देगा। देखिए मैं लिख दिया था एल, यानी कि हमारा लीड इस तरफ निकालने का है। कभी कभी क्या होता है, गलती से आपको ध्यान हट गया और आपने वाइंडिंग उस तरफ कर दिया तो बहुत समस्या होती है फिर आपको। और दोस्तों इसको कटिंग करते समय हम लोग बाकी पंखों को डायरेक्ट जड़ से काट दीजिए, एकदम जड़ से। अगर आपने इस पंखे को जड़ से काट दिया तो इसमें देखिए चार ही कॉयल है, इसमें रनिंग स्टार्टिंग है नहीं, यानी खाली रनिंग रनिंग वाइंडिंग ही होता है। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग काम ये करता है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे एक स्टार्टिंग पट्टी लगा हुआ है। ये पट्टी आपका पंखे को ऐसा धक्का मारने काम करता है ये, और ये जो है वो कॉयल हमारा बड़ा वाला हमारे पंखे को चलाता है ये, यानी हमारा रनिंग कॉयल ये है और स्टार्टिंग कॉयल ये है। और दोस्तों इसको कटिंग करना कभी भी, तो अगर आप 100 ब्लेड से कटिंग करेंगे तो आपको थोड़ा ऊपर से कटिंग करना पड़ेगा या फिर आपको ऐसे कटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसको कटिंग कैसे करते हैं। मैं इसे बांध देता हूँ। दोस्तों बांधने बाद में ध्यान रखना आपको कि वाइंडिंग कटिंग करना है तो आपको ऊपर से कटिंग करना है, एकदम सड़क कटिंग नहीं करना है, क्योंकि सड़क कटिंग कर दी आपने आपका वाइंडिंग खराब हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपको लगता है ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो काम ऐसा भी कर सकते हैं आप। अगर आप नए हैं तो आप सीधा ऐसे कटिंग करिए, आप इस तरह से लगा दें वाइस के अंदर। और दोस्तों दबाना नहीं है, दबाएंगे तो आपका स्टार्ट बेंड हो सकता है, आप इसको इस तरह से काट लें। दोस्तों मैं सभी को इस तरह काट लेता हूँ। दोस्तों क्या करें, इसको एकदम अच्छे से सीधा कर लें, जितना सीधा रहेगा उतना आपको निकालने में आसानी रहेगी। और फिर क्या होगा, निकल जाए आसानी से तो आपका स्टार्टर जो है एकदम सेफ बचा रहेगा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, तो आपका पंखा फिटिंग में बड़ी असर रहती है। वही अगर हम साफ्टिंग को मतलब इस कॉइल को निकालने में स्टार्टर ख़राब कर दिए तो फिटिंग बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों हमारा जो नोज पकड़ है इसी ताकत बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है, नहीं तो टूट जाता जल्दी से। मेरे हाथ से एक पकड़ टूट चुका है, इसलिए आपको उसका अंदाज होना चाहिए कि ताकत कितना लगाना है। दोस्तों क्या करें, इसको इस तरह से निकाल लें। इस तरह निकाल लेना आपको, निकाल के ये देखिए इस तरह से आप गिनती कर सकते हैं कि इसमें कितना डाला हुआ है, मतलब कितनी बार डाला हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उसके हिसाब से आप इसको कॉल बना के वाइंडिंग कर दें। दोस्तों देखिए इसमें डाला हुआ है एक, दो, और ये तीन, और ये चार, पाँच, छः बार डाला हुआ है। दोस्तों छः राउंड डाला हुआ है,
फिर दोस्तों इसी तरह से आपको सारे कॉइल निकाल देना है। अब दोस्तों मैं सारे कॉइल निकाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए सभी कॉइल निकल गए हैं। दोस्तों जो पट्टी बता रहा था मैं आपको, पट्टी दिखाता हूँ कौन सी पट्टी बात कर रहा था मैं, उस पट्टी को आपको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पट्टी कट गई तो आपका पंखा चलेगा ही नहीं है। क्योंकि हमारा इसमें आप देख रहे हैं एक ही कॉइल है, ये देखिए ये आप वो देख पा रहे हैं, ये पट्टी और ये पट्टी, ये चार पट्टी लगी हुई है, ये हमारा चार कॉइल है रनिंग का। तो स्टार्टिंग कॉइल की जगह हमारा चार पट्टी लगाया गया है। ये पट्टी क्या करता है, जब पंखा आप चालू करते हैं तो एक झटका काम करता है, झटका देता है ऐसा। जैसे हम लोग ये पट्टी नहीं लगाएंगे आप तो क्या करना पड़ेगा, आपको जब पंखा चालू करेंगे तो हाथ से घुमाना पड़ेगा। अगर ये पट्टी है तो आपको हाथ से ना घुमाना पड़ेगा, ये पट्टी घुमाने का काम करता है। तो इसे कभी भी कटिंग करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस पंखे में टेबल फैन हो या एग्जॉस्ट फैन हो, इस पंखे में केवल दो आने का होगा, उसमें ये पट्टी लगा ही रहेगा पक्का है। इस पट्टी को बराबर ध्यान से कट देना पाए, इस तरह वायरिंग कटिंग करें। दोस्तों फिर आपको इसे गिनती कर लेना है, इसे गिनती करना नहीं बोल रहा है, इसे गिनती कर लें और गेज कर लें। दोस्तों इसे गिनती कर लिए पहले, जैसे हमारा काफ़ी जला ही है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसको आप ठोकेंगे तो और वो हो जाएगा। फिर गिनती कर लें, अब दोस्तों मैं गिनती कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों हमने इसे गिनती कर लिया है, और दोस्तों इसमें जितने कॉइल हैं केवल रनिंग कॉइल ही है, क्योंकि हमारा ये पंखा जो है स्लो स्पीड है। फिर दोस्तों क्या करना है, आप इसे गिनती कर लीजिए। दोस्तों हमारा जो गिनती है ये 95 यानी 95 टन है। दोस्तों 95 टन है और 6 राउंड आपको डालना है, यानी कि हम लच्छे कॉल बनाएंगे लंबा वाला और उसमें 6 बार घुमा के डालेंगे। अब दोस्तों आप उसे गेज कर लेना है। अब दोस्तों से मैं गेज कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमारे पास माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा आपको गेज कर लेना है। दोस्तों हमारा जो है ये 32 गेज है, 32 गेज कॉपर वायर है। अब दोस्तों वायर लागे इसे कॉल बनाएंगे, कॉल बनाने दोस्तों कॉल बनाने से पहले आपको इसमें पेपर डाल देना है। अब दोस्तों मैं पेपर डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ पेपर कैसे डालते हैं। दोस्तों हमारा जो पेपर है ये, दोस्तों देखिए हमारा जो पेपर है ये पेपर हमारा 7 नंबर है। दोस्तों इसके माप निकालने लिए क्या करें, आपको ऐसा स्केल से इसमें डाल देना है। दोस्तों हमारा जो स्टार्टर है ये 25 mm का है। दोस्तों आपका स्टार्टर जो 25 mm है तो आपको जो पेपर का साइज काटना है वो आपको काटना है 35 mm का, यानी 10 mm बढ़ा देना है। दोस्तों आपको केवल इतना लंबा पेपर चाहिए बस, इतना बड़ा स्केल है आपको, इतना बड़ा पेपर लगता है इसके अंदर। तो मैं इसकी माप काट देता हूँ, एक निशान लगाता हूँ। दोस्तों अगर पेपर आपको सीधा ना हो तो पेपर सीधा कर लें। दोस्तों 35 mm चौड़ा पेपर काट लेना है आपको। हाँ दोस्तों देखिए हमने पेपर को काट लिया है। इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको आपको हल्का सा कट लगा लेना है, आपको दिखाता हूँ मैं। करीब 1.5 mm का 2 mm कट मार देना है साइड से, दोनों साइड से। आपको दोनों साइड से निशान लगा देना है। दोस्तों निशान से लगा रहा हूँ मैं, ये हमारा एक्सोब्लेड है, ये टूटा हुआ। इसके द्वारा क्या होता है, इससे निशान लगाएंगे तो आपको मोड़ने में ऐसा आसानी होती है। दोस्तों देखिए मेरा हाथ गंदा है, इस पर निशान आप दिख रहा होगा कि हमने कितने दिख रहा है। दोस्तों देखिए निशान आ गया है। अब दोस्तों क्या करें, ये हमारा जो पंखा है इसके अंदर आपको ये पूरे स्केल के माप का है, समझिए कि हमारा स्केल 30 mm का है तो आपको
साढ़े सात यानी चार पेपर काट लेना है। तो देखिए हमारा 7.5 सेंटीमीटर का ये चार पेपर है दोस्तों। इस टाइप के जो पंखे आएंगे उसके अंदर सब में 7.5 सेंटीमीटर ही आता है। फिर आपको दोस्तों इस तरफ साइड से मोड़ लेना है और मोड़ के पेपर डाल देना है। दोस्तों आज मैं इसको कल बनाने वाला हूँ और डायरेक्ट आप समझिए मशीन ना हो तो कैसे बनाएं, खिलाड़ी बनाते ना, इस तरह बनाने वाला हूँ मैं। दोस्तों देखिए इस तरह से साइड से मोड़ के फिर आपको कुछ करना नहीं है। देखिए ऐसे पकड़े और इसको ऐसे लाएं और ऐसा घुसा दें। दोस्तों देखिए हमारा पेपर जो सब परफेक्ट साइज है, इस तरह से आपको चारों पेपर डाल देना है। दोस्तों पेपर डाल देता हूँ मैं। दोस्तों देखो हमने पेपर डाल दिए, अब दोस्तों आपको फर्मा निकालना है इसका। और दोस्तों ये सब जानते हैं कि इसको हमने डाला था 6 बार डाला हुआ था। दोस्तों देखिए आपको इस तरह से वायर डाल देना अंदर और वायर को पूरा आगे तरफ खींच देना है। खींच लें और फिर इस वायर को अंदर खींच लें। दोस्तों काफ़ी लंबा कॉइल बनेगा ये क्योंकि 6 राउंड डाला हुआ है। दोस्तों पंखा उषा का है और ये कंपनी वाइंडिंग था। जब कभी आपके पास कंपनी वाइंडिंग आए और पंखा कंपनी का हो तो हमेशा आप उसको कटिंग करके और फिर भरें। और हाँ दोस्तों अगर आप 2-4 बार भर चुके हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार गिनती करना है या हर बार करना है, फिर आप लिख के रख लें और फिर दोबारा कभी इस टाइप का पंखा आएगा तो आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना गिनती किए भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस पंखे को आपने कभी भरा नहीं है और आपके पास फर्स्ट टाइम आया है तो उसका आपको गिनती करना चाहिए और उसको लिख के रखना चाहिए। दोस्तों हमारा 6 राउंड है तो अब गिनती कर लेना है। 5 हो गया हमारा ये और ये हमारा हो गया 6। दोस्तों फर्मा निकालेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं कि फर्मा आपको कितना बड़ा निकालना है। दोस्तों देखिए इस तरह से वो फर्मा निकालना है। इस तरह से माप निकालें और फर्मा निकालें। दोस्तों फर्मा निकल गया है, अब मैं इसे कॉइल बनाता हूँ। दोस्तों देखिए मेरे पास ये हमारा मशीन का है, मैं इसे बनाने वाला हूँ। मैं बनाना इस पर इसके लिए ताकि समझिए कि आपका मशीन ना हो तो कैसे बनाएंगे। आप चाहें तो खीरा गाड़ के बना सकते हैं। दोस्तों मेरे मशीन है फिर भी मैं आपको दिखाने लिए इसे बनाऊँ हाथ से। दोस्तों आपको खीरा गाड़ी बनाना है तो समझिए कि आपका लकड़ी है, आप एक खीरा यहाँ काट दें और एक खीरा यहाँ काट दें। आप जितना लंबा चाहिए लंबाई हिसाब से समझिए कि आपका ये फर्मा हो गया और आपको जितना लंबा चाहिए इस तरह से एक खीरा समझिए यहाँ काट दिया आपने और जितना लंबा हो रहा है वहाँ पहुँच के फिर आपको एक खीरा यहाँ काट देना है। दोस्तों हमारा छोटा पड़ रहा है, ये हमको लंबा लाना पड़ेगा। दोस्तों मैं लंबा फर्मा निकालता हूँ अपना। हाँ दोस्तों के पास फर्मा छोटा था तो मैंने इसे पट्टी जोड़ दिया, मेरा पट्टी था ये। आपको फिर फर्मे के हिसाब से जितना लंबा चाहिए उतना लंबा लेना पड़ेगा। तो खिला भी आपको इसके हिसाब से काटना चाहिए। देखिए इसको इसके हिसाब से करके इसको आपको टाइट कर देना है।
हाँ स्टार्ट हो गए। आप चाहें दोस्तों तो इसके माप ले सकते हैं राउंड में कि आपकी कॉल की गलाई कितनी है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि आप कॉल के साइज खुद निकालें। तो आपको किससे पूछना नहीं पड़ेगा कि सर अभी कॉल की लंबाई कितनी थी, कॉल का लेंथ कितना था। हमेशा इस तरह फार्मा निकालें, फार्मा निकाल के फिर आपको लिख के रखो, लिख के रखिए। अगर ज़्यादा पंखे आते हैं तो फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कितनी दूरी पर है। दोस्तों हमारे पास पंखा आता है, हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो रेगुलर पंखे हैं। और मैं इसको ऐसा नहीं भरता हूँ, ये तो कंपनी का भरा हुआ है, मैं तो हमेशा इसको भरता हूँ। इस पंखे में चार राउंड भरता हूँ मैं और 21 इंच का कॉल बनाता हूँ मैं। राउंड में 21 इंच रहता है, ऐसे भरता हूँ चार बार। लेकिन ये पंखा था कंपनी का, उषा का, ऐसे भरा हुआ 6 बार, तो मैं इसके हिसाब से बना रहा हूँ। फिर हाँ दोस्तों देखिए, मैं आपको आप लोग जानकारी लिए इसके माप कर लेता हूँ कि हमारा कॉइल की गोलाई कितनी है। नहीं तो आप बोलेंगे सर कि आपने मुझे कॉइल की गोलाई नहीं बताए। दोस्तों हमारा जो कॉइल की गोलाई है 31 इंच है राउंड में। दोस्तों देखिए हमारे वायर ये 32 गेज कॉपर वायर। दोस्तों इसका चट्टान है, ये सभी में एक जैसे रहेगा। चार कॉल बनाना अपने को। दोस्तों इसमें चार कॉल बनाऊंगा और एक साथ चार कॉल जुड़े रहेंगे, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। इसमें टन रहेगा 95 टन। दोस्तों इस तरह से आपको अरिंग कॉल नीचे और ये इस तरह से लपेटें। दोस्तों इस तरह से आपको लपेट देना है 95 टन। अब दोस्तों मैं इसके लपेट के कॉल बनाता हूँ, चारों कॉल बनाता हूँ।